नमस्कार दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे थे, ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है ताकि आपकी यात्रा मंगल में हो। केदारनाथ 25 अप्रैल से ओपन होने जा रहा है। केदारनाथ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रख ले ताकि आपकी यात्रा सुगम और मंगल में हो जाएगी। केदारनाथ जाने का बढ़िया टाइम है अप्रैल मई और सेप्टेम्बर टू नवम्बर। और हाँ, भूल के भी उत्तराखंड या केदारनाथ में आप बारिश के टाइम पे ना ही आए तो ही अच्छा है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले एक काम जरूर कर ले, चार धाम की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले ताकि पुलिस वाले आपको वापस उल्टा ना भेज पाए। तो उससे बचने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा भाइयों। उसके बाद अपनी यात्रा को लेके बाबा का नाम और स्टार्ट कर दो। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून से आप लोगों को सोनप्रयाग तक टैक्सी, बस, रेंटल बाइक, कार बहुत सारी मिल जाएंगी। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो जो गवर्नमेंट बस है उसका किराया रहेगा 400 से 500 रुपये। अगर आप टैक्सी ले रहे हो या फिर आप स्कूटी या बाइक रेंट कर रहे हो तो टैक्सी का जो रेंट पड़ेगा आपको 6000 से 8000 और बाइक या स्कूटी 600 से लेकर 1500 तक का पड़ेगा आपका वो खर्चा आएगा। अगर आप बाइक या पर्सनल व्हीकल लेके ऋषिकेश जा रहे हो तो आपको रास्ते में देवप्रयाग मिलेगी जहाँ पर आप संगम में नहाकर स्नान करके आप आगे के लिए प्रस्थान भी कर सकते हो और बीच में धारी देवी टेम्पल है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। एक दो पॉइंट और भी है जहाँ पर आप घूम सकते हो। अगर आप बस से कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ऋषिकेश से सोनप्रयाग में ही ड्रॉप करेगी। इस तरह आप सोनप्रयाग पहुँच जाना। आप सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते आपको ऑलमोस्ट 8-9 घंटे लग जाएंगे तो शाम तो हो जाएगी। उसके लिए रुकने की व्यवस्था करेंगे तो रुकने के लिए आपको रूम मिल जाएंगे जो 1000 से 2000 तक स्टार्ट होंगे। अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप सोलो ट्रेवलर हो तो आप जो भंडारा लगते हैं वहाँ पे भी रुक सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं रुकने तो आप डोमेट्री वगैरह भी ले सकते हो और अपने साथ अगर कैंप लेके आए हो तो वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। इस तरह आप सोनप्रयाग में रुक सकते हो। नेक्स्ट दिन आप जितनी जल्दी होगी आप ट्रैक स्टार्ट करें ताकि आपकी जो यात्रा अच्छी रहे, क्योंकि उस टाइम पर क्राउड ज़्यादा नहीं होगा और आप करीब 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है होर्डिंग बोर्ड पे लिखा होगा वो नहीं होगा। तो ये मैंने पिछली बार किया तो आपका जो ट्रैक होगा वो 22 किलोमीटर का आएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कहीं आप ये रहे तो 16 किलोमीटर का हम कर लेंगे, नहीं 22 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। तो खाते पीते जाना, लिक्विड जितना हो पीते जाना और ज़्यादा पेट भर के मत चलना और रेस्ट करना और चलते रहना। इस तरह आप पहुँच जाओगे बेस कैंप केदारनाथ के, जहाँ पर थोड़ा बहुत नेटवर्क आपको मिल जाएगा। बट एक काम जरूर करना कि कैश जरूर कैरी करके ले जाना क्योंकि आपको कोई भी ऑनलाइन सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी। तो और साथ में ही बरसाती रेनकोट और बैक कवर जरूर कैरी करें और साथ में आप जितने भी वॉर्म कपड़े हैं आप अच्छे कपड़े हैं कैरी जरूर करें, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जाता रहता है। इस तरह सोनप्रयाग से आप जो केदारनाथ बेस कैंप पहुँच जाओगे, केदारनाथ पहुँच जाएगा, वहाँ पर आपको टेंट और जो वहाँ के कैंपिंग साइट है वहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट डे उसके तो आप जितने जल्दी 4 से 5 बजे आप जाके बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ोगे, लाइन में लगना होगा। अगर आप लेट करोगे तो आपको 4-5 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप सुबह जितना जल्दी हो सकता लाइन में लगे और दर्शन करके आप उसी दिन आप नीचे की तरफ आ सकते हो। इस तरह आपकी यात्रा मंगल में हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।